चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। गुजरात के सौराष्ट्र में पूरे प्याज का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जो राज्य में कुल प्याज की खेती का 50% से अधिक है। भावनगर जिले का महुआ तालुका प्याज की खेती में सबसे आगे है, जहां बड़े पैमाने पर प्याज का उत्पादन होता है। सिर्फ एक हफ्ते में ही प्याज की कीमतें 50% तक गिर गई हैं, लेकिन अब प्याज की कीमतें खुदरा बाजार में भी गिरेंगी, जो कि ग्रहणियों के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन किसानों के लिए बुरी। किचन में प्याज का इस्तेमाल हर तरह से खाने में किया जाता है। खुदरा बाजार में बिकने वाली प्याज भी जल्द आधी कीमत पर बिकने की संभावना जताई जा रही है। अब तक कीमत के मुद्दे पर हंस रही प्याज अचानक किसानों को रुला रही है। मंडी में अब तक किसानों को 1,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को उनकी प्याज की चिंता सताने लगी है, क्योंकि कीमतें तेजी से गिर रही है। प्याज के उत्पादन से स्थानीय निर्जलीकरण संयंत्र को लाभ होता है। रबी सीजन अब खत्म हो रहा है, किसान बड़ी मात्रा में प्याज लेकर मंडी में बिक्री के लिए आ रहे हैं। प्याज की खेती पर किसानों को काफी खर्च करना पड़ता है, जिसमें बीज, खाद, बुआई, संवारना और कटाई का श्रम शामिल है। बाजार में प्याज की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे किसानों में मायूसी का माहौल है। सफेद प्याज की कीमतों के साथ साथ लाल प्याज की कीमतें गिर रही हैं। पिछले साल भी इस सीजन में मार्च में ही प्याज की कीमतों में गिरावट देखी गई थी। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।